लाइफ इन्वेडर में हम सर्विस ले सकते हैं, मतलब आसान भाषा में लाइफ इन्वेडर ग्रैंड एपी में एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसमें हम उससे कुछ काम करवा सकते हैं। किस तरीके का काम, क्या होता है काम, वो सब वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तुमने मेरा चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, बिकॉज मेंबरशिप टैब पे मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ। कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिया चीज़ें हो जाती है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो तुमको पता हो जाएगी अबाउट ज्वाइनिंग मेंबरशिप टैब। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेकआउट माई अदर चैनल्स, जो मेरा ब्लॉगिंग है, फिर मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, एंड देन मेरा दूसरा जो लाइव चैनल है, एक्चुअल लाइव चैनल, जहाँ पे मैं वैलोरेंट एंड दूसरे गेम्स खेलने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, इवन ये चैनल पर भी टाइमलाइन के हिसाब से दूसरे गेम्स भी आना चालू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन में चेंजेस हो जाएंगे तो मैं इसलिए डेट डिफाइन नहीं कर रहा। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है ना, आज जब भी तुम एलआई का डिस्कॉर्ड खोलते हो तो उसमें सबसे पहले तुमको दिखता है एड कंप्लेंट। ठीक है, ऊपर वाला मत देखो क्योंकि मैं एलआई में हूं तो एलआई में दिखता है, तो हम लोगों को नहीं दिखता, तुम लोग जो सिटीजन को नहीं दिखता। सबसे पहला एलआई कंप्लेंट होता है। अभी क्या होता है एलआई कंप्लेंट में, तुम एक टिकट बना सकते हो। ठीक है, जिसमें समझो मैंने यहां पे क्रिएट किया टिकट। ठीक है, टिकट करने का पहले यहां पर तुम्हारा नेम आएगा लॉरा। ठीक है, आईडी आएगी 852, फिर तुम्हारा इन गेम फोन नंबर आएगा, जी मेरा इन गेम फोन नंबर है वो डाल दिया। फिर मैंने जब एड सेंड किया था, कब सेंड किया था, ठीक है, समझो मैंने अगर 00:51 को एड सेंड किया, ठीक है, और एड में क्या क्या चीजें डाली थी। ठीक है, जैसे मैंने अभी डालता हूँ टेस्ट एड, टेस्ट फॉर वीडियो। ठीक है, ये मैं डालता हूँ। ठीक है, रिजेक्टेड करके डालता हूँ, नहीं तो भाई मुझे गाली पड़ेगी। तो रिजेक्टेड करके मैं डाला, मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये टिकट है, ये टिकट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड ये आई गेस मुझे दिखेगा, मुझे पता नहीं मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सीईओस को दिखता है। हाँ, यहाँ पर एक आर टिकट। ठीक है, ये मेरा टिकट है। ओके, यहाँ पर दिखता है कि भाई क्या प्रॉब्लम था और क्या स्टफ है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वरना भाई मुझे सीईओ चिल्लाएगा। इट्स अ टेस्ट टिकट, ऐसा करके लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सो ये होता है, ऐसा दिखता है जब कोई बंदा ये करता है। मैं इसको क्लोज कर देता तो किसको पता भी नहीं चलेगा, क्लोज कर देता टिकट तो। ओके, क्लोज हो गया वो टिकट। ओके, दैट्स गुड, लेट्स मूव टू द फर्दर पार्ट। फिर उसके बाद जो तुमको दिखता है वो दिखता है एक्चुअल एलआई का सर्विस। ठीक है, एलआई का सर्विस में क्या क्या चीजें सर्विस हम एलआई से ले सकते हैं। सबसे पहला जो आता है सीएनएन। ठीक है, सीएनएन होता है ग्रैंड आरपी का जो ईमेल होता है। ठीक है, पोस्टर के बिना, बट ये मतलब ग्रैंड आरपी का जो सीएनएन होता है, सीएनएन ब्रॉडकास्ट हम बोलते हैं उसको, ग्रैंड आरपी ईमेल्स पे जो किया जाता है वो 24 आवर्स के पहले हमको बता देते हैं, इसका 200 प्राइस होता है। ठीक है, फिर एक सीएनएन ब्रॉडकास्ट होता है विथ पोस्टर, जो 350 के का होता है। अभी देखो मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा विदाउट पोस्टर, विद पोस्टर कैसे होता है, पोस्टर बनाना कैसे रहता है, क्या क्या सीन होता है, मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो। ठीक है, फिर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, सिटी अनाउंसमेंट होती है। फिर सिटी में हम अनाउंस करते हैं कि भाई लेफ्ट टाइप तो देखा रहेगा, मैंने डाला वेलकम बैक लॉरा डिसूजा करके मैंने एक वीडियो बनाया था, या फिर मैंने फोटो डाला कम्युनिटी में, वो चेकआउट कर सकते हो, वैसा हम एलआई सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल ये सीएनएन की बात कर रहा हूं ना मैं, इसके लिए तुमको आना पड़ेगा ग्रैंड आरपी के डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मेन डिस्कॉर्ड सर्वर पे। EM3 में तुमको दिखेगा लाइट इन्वेडर सीएनएन, तो ये तुमको दिख रहा है, ये होता है सीएनएन। ठीक है, अब तुमको सिर्फ इतना डालना है तो वो सिर्फ सीएनएन आएगा विदाउट पोस्टर, एंड विद पोस्टर रहेगा तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, जिसका चार्जेस लगता है कुछ 350 के आई गेस, हाँ 350 के। फिर आता है सिटी ब्रॉड का जो मैंने बता दिया। फिर आता है प्रमोशनल मटेरियल टू पोस्ट ऑन ग्रैंड आरपी मेल, जो आता है 200 के। प्रमोशनल मटेरियल्स जो होता है ये होता है तुम्हारे रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर स्टफ, या फिर एनी काइंड ऑफ रिलेटेड जिसमें प्रमोशनल चीज आ जाएगी, प्रमोट कर रहे हो तुम, वो आता है प्रमोशनल मटेरियल के अंदर। ये भी 200 के का होता है। ठीक है, और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ तुमको, ये 24 आवर्स एंड 48 आवर्स पहले तुमको बताना रहता है तो क्या शेड्यूल करना पड़ता है, क्योंकि जब उसमें सिटी या इसमें डालते हो ना तो अराउंड 5 आवर्स का कूल डाउन रहता है। ठीक है, सिटी में अराउंड हाफ एन आवर टू वन आवर का कूल डाउन रहता है, बट इसमें 5 आवर्स का कूल डाउन रहता है जो अपना डिस्कॉर्ड सर्वर है। ठीक है, फिर आता है इवेंट कवरेज। इवेंट कवरेज में क्या होता है, कौन सा भी इवेंट हो रहा है, कैमरा मैन आप जा सकते हो, 72 आवर्स पहले बताना रहता है इस चीज के बारे में। कैमरा मैन जा सकते हैं, पर हाइलाइट्स एंड वीडियोस निकालोगे, उसको एडिट करोगे, उसका 200 से लेके 500 के जितना काम होता है उसके हिसाब से तुम पैसा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, बट मिनिमम 200 के और मैक्सिमम 500 के। तो फिर आता है इवेंट प्लानर। इवेंट प्लानर मतलब क्या होता है, ये अराउंड 72 आवर्स से 1 वीक पहले हमको बताना रहता है। इवेंट प्लानिंग में कैसे होता है कि तुम समझो मेरे को कौन सा इवेंट करना है, सच एज कार शो।
ठीक है, तो 1 वीक या फिर 72 आवर्स पहले मुझे बताना पड़ेगा कि इस दिन मुझे कार शो करने का है, और मैं उसका ये जो 500 to 500k ये LI का चार्जेज है, तो LI को मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। एंड उसके अलावा मुझे जो विनिंग है प्राइस है, जैसे 1 मिलियन का अगर विनिंग प्राइस रखा है मैंने 500 के पहले को, 350 के दूसरे को, एंड 250 के थर्ड पर्सन को, तो वो एक अलग से मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है फीचर एंड इंटरव्यू। अभी फीचर एंड इंटरव्यू होता है कि अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो या फीचर कर रहे हो किसी चीज को जो 72 आवर्स पहले आपको बताना पड़ता है, उसका भी आप चार्ज, उसका भी चार्जेस है जो 200 to 500k आपको देना पड़ता है टू LI। एंड उसके अलावा अगर पर्सन को कुछ पैसा देना रहेगा तो वो अलग से स्पॉन्सरशिप होती है, वैसा है फीचर एंड इंटरव्यू को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। फिर आता है फोब फीचर्ड बिजनेस 100k per week। अब ये जो फोब फीचर्स है, ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाले वीडियोस में, क्योंकि इसमें मेरे को एक बिजनेस वाले को पकड़ना पड़ेगा एंड उससे पैसा लेके ये फोर्ब्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसा क्या होता है वो मैं आपको आगे फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। इसके बाद जो आता है वो आता है एक फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको फिल करना है तब जाके वो वैलिड माना जाएगा या फिर वो रिजेक्ट कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट गाइड वीडियो पॉज करके पढ़ लेना या फिर आप LI ज्वाइन कर लेना, LI के जो भी रेडियो ब्रॉडकास्ट रहेगा उसमें आपको दिख जाएगा। अभी ये जितना भी सब बना है, ये बनने के बाद तुमको मतलब बना है मतलब ये जो तुमको है बनाना है, लाइक जैसे इंटरव्यू बनाना है या फिर तुमको प्लानिंग करना है, यहाँ पर टिकट क्रिएशन आता है। तो आपको आपको टिकट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपका टिकट जो LI के एम्प्लॉयज को ऐसा दिखेगा, ये जो दिख रहा है टिकट, मैं इसको खोल नहीं सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। तो दोनों में से कौन सा भी एक आप ऐसा खोलोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा CEO या हबीबी या फिर क्वीन ने डाला रहेगा वेलकम टू LI सर्विस, आपको क्या चाहिए आप बताओ। ठीक है, तो ये एक पार्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को डाउट है इस चीज में, वो आता है पार्टी बस सर्विस। अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं पार्टी बस सर्विस क्या है एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। सबसे पहला, पार्टी बस सर्विस सिर्फ पार्टी बस को ही आपको 120k देना पड़ता है। एंड उसके अलावा अगर आपको डीजे प्लेयर चाहिए तो डीजे प्लेयर विथ उसका डीजे प्लेयर का प्लेलिस्ट 150k, एंड डीजे प्लेयर विथ योर प्लेलिस्ट, मतलब जो पर्सन का प्लेलिस्ट जिसने बस रेंट की है उसका अगर प्लेलिस्ट बजाने का 250k पर आवर होता है। तो मतलब अगर 2 घंटा बजा रहे हो तो 500k हो गया, और अगर हमारा प्लेलिस्ट 2 घंटा बजा रहे हो तो 300k हो गया प्लस 120k, मतलब इन टोटल होता है 300k प्लस 2 घंटा अगर बजा रहे, 300k प्लस 120k तुम्हारा हो जाता है $420k। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना। अभी ये जो भी चार्जेस हो जाते हैं ये ना, ये पर अगर समझो फॉर एग्जांपल 2 घंटा हो गया, 2 घंटे बाद भी हम 15 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारे तरफ से होता है, LI की तरफ से ऐसा एज एन टाइम, बट हर बार नहीं होता। अगर नेक्स्ट भी कौन सा अगर जल्दी कंटिन्यूएशन में भी और एक रहेगा तो नहीं हो, नहीं हम 15-20 मिनट आगे एक्सटेंड करते। ठीक है, सो अगर तुमने पार्टी बस रेंट की है तो पार्टी बस रेंट करने के बाद LI का एक स्टाफ मेंबर पार्टी बस के साथ रहेगा 20 जब तक आपका पार्टी चल रहा है। उसके अलावा वो बंदा वो छोड़ के जाने नहीं वाला LI का बस तुम्हारे पास, क्या भाई तुम रखो हम बाद में आके लेके, ऐसा नहीं होगा। वो LI का जो स्टाफ मेंबर है वो पार्टी बस के साथ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक है वो आता है कि जो पार्टी बस है वो है ना, हम ग्रीन जोन और रेड ग्रासेस में नहीं चलाते। ठीक है, मतलब आप ग्रीन जोन और रेड ग्रासेस में नहीं चला सकते पार्टी बस, मतलब उसमें गाने बजा ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। फिर आता है कि पार्टी बस ना सिर्फ टिकट के हिसाब से ही आते हैं, मतलब अगर तुम टिकट बनाते हो, रिक्वेस्ट टिकट है, इसमें टिकट में तुमको बताना पड़ेगा मुझे पार्टी बस चाहिए ये टाइम पे एंड डीजे प्लेयर चाहिए ये टाइम पे, वो भी 48 आवर्स रहेगा, 48 आवर्स एंड 72 आवर्स के पहले तुमको बताना रहता है। और ये जो भी रहेगा पार्टी बस एंड स्टफ उसको शेड्यूल करना रहेगा, तो वो शेड्यूल्ड अप्रूव होता है सिर्फ CEO और CEO उसके CEO के परमिशन से, उसके अलावा नहीं होता। फिर जैसे टेम्पलेट हो जाता है, एक चीज जो आपको नीचे दिख रहा रहेगा, कार्स टेम्पलेट, इलेक्ट्रिक टेम्पलेट, एमुनेशन टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट अपडेट कर सकते हो तुम लोग यहाँ पर चीज से अपडेट बिजनेस टेम्पलेट में। फिर फॉर्ब्स वाला है जो मैं वीडियो आगे फ्यूचर में बना दूंगा ये चीज। फिर रिजल्ट बिजनेस टेम्प, ये एक्चुअली CEOs ही करता है, उन लोग अप्रूव करते हैं एंड देन वो लेटेस्ट तुम्हारे लेटर तुम्हारे जो भी कैटेगरी में फार्म का आता है तो फार्म में वो अपलोड हो जाता है, फार्म 1, फार्म 2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है फैमिलीज वाला टेम्पलेट। फैमिलीज का टेम्पलेट होता है कि फैमिली अगर तुम्हारे फैमिली को रिक्रूट करना है या फिर न्यू इनटू सिटी या कुछ भी ऐसा कि तुम्हारे फैमिली रिक्रूटिंग कर रही है तो उस हिसाब से वो टेम्पलेट बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर द टेम्पलेट मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। न्यू इन सिटी जो भी फैमिली का नाम है, XYZ विल गाइड यू सक्सेस, डायल और टेक्स्ट दिस नंबर टू ज्वाइन आवर फैमिली टुडे। ठीक है, ये एक जरिया है, तरीका है कि तुम
ज्वाइन करवा सकते हो अपने किसी भी बंदे को ऑल ओवर द सिटी थ्रू द रेडियो ब्रॉडकास्ट नहीं टू द एड्स लाइक टेम्पलेट नंबर के साथ। फिर ये जो टेम्पलेट आता है वो 30,000 में बनता है, मतलब अप्रूव होगा 30,000 देना पड़ेगा, रिन्यू करने के लिए 15,000 देना पड़ता है और वो 7 दिन बाद ही रिन्यू होता है, एक चीज़ ये याद रखना, ठीक है। और अगर तुमको जो भी टेम्पलेट है वो LI के एम्प्लॉई से ही डिज़ाइन करना है या LI के एम्प्लॉय से ही करवाना है तो वो पर टेम्पलेट का चार्ज 100K लेगा, मतलब 7 टेम्पलेट अगर तुमको बनाना है तो 700K लेगा। टेम्पलेट के भी कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे 150 कैरेक्टर्स ही तुम डाल सकते हो, उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते, ठीक है। बाय द वे मैं LI में ही हूँ तो मैं LI का पूरा कंटेंट निकालूंगा जस्ट फॉर योर, तुम लोगों को चाहिए था कि भाई LI में है तो LI से कंटेंट निकाल, बिकॉज हमें LI के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्विस के बारे में बताएंगे एंड फ्यूचर में पॉप्स एंड स्टफ के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। अगर तुमको वीडियो देख के पसंद आ रहेगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते तुम आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर और ऐसे क्रेजी स्टफ मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय।